हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्सा ब्लिस, रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। तो क्या आखिर रोमन रेंस ने रिप्लेस कर दिया है एलेक्सा ब्लिस को? प्लस आखिर कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन? ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, पहले बात करते हैं वेड बैरेट के बारे में। जैसे आपको पता है कि वेड बैरेट एक काफ़ी अच्छे टैलेंट थे WWE के, और काफ़ी उनके फैंस वेट कर रहे हैं कि उनका कब रिटर्न होने वाला है WWE में। तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि वेड बैरेट का रिटर्न होने वाला है। अकॉर्डिंग टू प्रो रेसलिंग शीट, वेड बैरेट का रिटर्न होने वाला है NXT में, और वो होंगे NXT अनाउंस टीम में इस हफ्ते। पर दोस्तों, ये एक फुल टाइम डील नहीं है, ये जस्ट एक वन ऑफ अपीयरेंस होने वाला है। पर WWE वालों ने वेड बैरेट को बुलाकर काफ़ी अच्छी बात की है। ये भले ही वेड बैरेट का वन ऑफ अपीयरेंस हो सकता है, पर WWE कंसिडर करेंगे कि उनको साइन किया जाए रेसलिंग रोल्स के लिए। एंड इस हफ्ते के अनाउंसिंग टीम में वेड बैरेट ज्वाइन होने वाले हैं। इसी की वजह से वेड बैरेट के लिए WWE के जो डोर्स है वो ओपन हो गए हैं, और फिर आज न कल WWE साइन करा सकते हैं वेड बैरेट को एक डील, और वो आ सकते हैं रेसलिंग करने के लिए। सो लेट्स सी कब आते हैं वेड बैरेट WWE में एज अ रेसलर। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है रोमन रेंस एंड एलेक्सा ब्लिस से। जैसे आपको पता है कि समर स्लैम के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जब फीन्ड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया और जीता यूनिवर्सल चैंपियनशिप, उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस ने आकर फीन्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन को अटैक किया, और ये समर स्लैम का सबसे बड़ा सरप्राइज था। और रोमन रेंस समर स्लैम में रिटर्न करने वाले हैं, ये बात हार्डली किसी को पता थी बैक स्टेज। और जैसे आपको पता है कि एलेक्सा ब्लिस काफ़ी इन्वॉल्व थी ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द फीन्ड की राइवलरी में, बट उनको यूज़ नहीं किया गया एट द मेगा मैच एट समर स्लैम। इंस्टेड विंस ने यूज़ किया रोमन रेंस को। तो हमें अपडेट मिली है कि एलेक्सा ब्लिस पार्ट होने वाली थी समर स्लैम के मेन इवेंट का, पर अनफॉर्चुनेटली प्लान्स चेंज हो गए थे। और इसी का जिक्र एलेक्सा ब्लिस ने अनहैप्पी वाले ट्वीट्स किए हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि WWE ने उन्हें यूज़ क्यों नहीं किया। शायद ऐसा हुआ होगा कि WWE को उन्हें यूज़ करना होगा, पर WWE वालों ने फिर एलेक्सा ब्लिस से कहा होगा कि रोमन रेंस आ चुके हैं और उनके प्लान्स हो गए अब, और इसकी वजह से हम आपको यूज़ नहीं कर सकते इस मैच में। हमें एग्जैक्टली रिपोर्ट मालूम नहीं है कि एलेक्सा ब्लिस का क्या रोल होने वाला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में, पर फिनिश कंफर्म थी कि ब्रे वाइट जीतने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समर स्लैम। अगर एलेक्सा ब्लिस खुद रिवील करेंगे कि आखिर क्या पूरा फंडा था, तो हमें पता चलेगा। तो तब तक के लिए हमें वेट करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस से। काफ़ी लोगों को ये सवाल है कि क्या हमें देखने मिलने वाली है रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस की एक फ्यूड या फिर एक मैच। वो इसलिए क्योंकि रोमन रेंस ने जब रिटर्न किया था समर स्लैम में, तब रोमन रेंस के जो न्यू टीथ थे जिसे विनियर्स कहते हैं, उसका मजाक रैंडी ऑर्टन ने बनाया था। उसका फिर रिप्लाई रोमन रेंस ने दिया, और फिर से रैंडी ऑर्टन ने रिप्लाई दिया रोमन रेंस को। और आपको पता ही है कि WWE में जो फ्यूड्स है वो एक टाइप से स्टार्ट होती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। तो सभी को ये लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस के बीच क्या हमें एक पोटेंशियल फ्यूड या फिर एक मैच देखने मिल सकती है, और क्या द बिग डॉग रॉ में आ सकते हैं या फिर रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में जा सकते हैं फॉर अ वन ऑफ फ्यूड। तो दोस्तों, हमें रिपोर्ट मिली है कि ऐसा कोई भी एंगल नहीं है बिटवीन रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन। वो बस एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और इसी की वजह से उन्हें बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। और वो एक दूसरे पर शॉट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड स्कूल बॉयज़ है, क्योंकि उनकी जो जनरेशन थी वो थर्ड जनरेशन वाले हैं। उनके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, सभी रेसलिंग से रिलेटेड थे, और इसलिए एक दूसरे पर वो फनी शॉट्स ले रहे थे। ऐसा तो कोई प्लान्स नहीं है कि रैंडी एंड रोमन के हमें एक फ्यूड या फिर एक मैच देखने मिल सकती है, क्योंकि रैंडी है रॉ पर एंड रोमन है स्मैकडाउन पर। बट अगर इन फ्यूचर सम हाउ एंड सम वे हमें इन दोनों की मैच या फिर एक फ्यूड देखने मिलती है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, क्या आप एक्साइटेड है वेड बैरेट के रिटर्न के लिए? सेकेंड, आपका क्या रिएक्शन है ये देखकर कि रोमन रेंस ने रिप्लेस किया है एलेक्सा ब्लिस को एट समर स्लैम? एंड थर्ड, क्या आप देखना चाहते हैं
एक पोटेंशियल रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस की राइवलरी इन द नियर फ्यूचर. सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह. पीस आउट.